सेवा को बेहतर बनाने का दावा करे, पर इस सेवा से जुड़े कर्मचारियों पर कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। ताज़ा मामला फिरोजाबाद के ट्रामा सेंटर से जुड़ा हुआ है, जहां देर रात मरीजों के तीमारदारों को डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक खुद भी ढूंढ कर लाना पड़ता है, तब जाकर मरीजों को इलाज मिल पाता है। दरअसल बीती रात से ट्रामा सेंटर में मरीजों की सुनने वाला कोई नहीं था। अस्पताल की बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो न डॉक्टर थे न वार्ड बॉय। अस्पताल पूरी तरह से लावारिस हालत में पड़ा हुआ था। इस दौरान जो भी मरीज इलाज के लिए अस्पताल में लाए गए, उन्हें तीमारदारों ने अपने साधन ठेले या गोदी में अंदर ले गए। न तो कोई स्ट्रक्चर मिला और न ही वार्ड बॉय। हद तो तब हुई जब डॉक्टर भी मौके पर मौजूद नहीं थे और ये सब नजारा कैद हुआ एक कैमरे में। हमारा नाम आसाराम। आसाराम जी, यहाँ पर अभी ये ठेला आप अंदर लेके आए थे, क्या कोई मरीज आया इस पे? मरीज था ऐसे ही। क्या परेशानी थी मरीज को? उस पर चला नहीं जाता, टक्कर लगी है जी, बाकी मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल मरीज से पूछो ना। तो अच्छा, यहाँ पर आप लेके आए हैं, ये क्या मतलब ज्यादा सीरियस हालत है? उनको बताओ, मुझे क्या बता रहे हैं? कहाँ से बता रहे हैं, हमारी समझ में ना आता। उसकी हालत कैसी है? गंभीर है? हालत गंभीर है, वरना ठारूना भौजा। तो बाप, आप यहाँ पर ठेला लेके आए हैं अंदर, यहाँ बाहर कोई स्ट्रेचर या बाड़ वो खड़ा नहीं मिला आपको? हमें कोई मिला नहीं, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। यहाँ पर कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी अस्पताल में? तो कोई व्यवस्था तो थी लेकिन समय पर नहीं मौजूद था। बताओ अभी आपको कोई प्रॉब्लम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम। सीताराम जी, यहाँ पर अभी देखा गया कुछ पेशेंट यहाँ पर हाथों में आ रहे हैं और स्टाफ यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, क्या मामला? मैं भी अपनी भाभी को लेके आया था, तो मतलब वहाँ से बुला के लाना पड़ा। यहाँ पर कोई नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था यहाँ पर? यहाँ पर कोई नहीं रहता, अब वो वहाँ अपने रूम में मिलेंगे, जो पहले रूम पड़ता है उसी में। क्या आपको पता है यहाँ जिला अस्पताल में आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर काफी व्यवस्था दी गई है, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई कर्मचारी या फिर कोई वार्ड बॉय आपको यहाँ मौजूद नहीं मिला? यहाँ पर अभी तो कोई नहीं था, मैं आया जब। लगभग कितनी देर से आप यहाँ पर? कम से कम आधा घंटा से ऊपर हो गया। कोई आया नहीं देखने अभी तक? देख तो गए हैं, जब बुला के लाया तब इंजेक्शन लगा के फिर देख के फिर चले गए। कोई देखने नहीं आया उसके बाद? अभी मैंने कहा दर्द हो रहा है, बंद नहीं हुआ उनके भी, तो बोले अभी एक डेढ़ घंटे लग जाएगा, इंजेक्शन पट्टी में लगाया, नस में तो लगा नहीं। क्या मामला हुआ है? टक्कर लग गई है। मारी है या लगी है ये बताओ? बार बार दी, मार दी है। कौन लोग थे? वो मेरी गली पर रहता है। क्या नाम है उनके? आया। क्या नाम है इनके जिन्हें टक्कर मारी आपने? आया, आया। कहाँ? कोई पहले की पुरानी रंजिश चल रही थी क्या? किस बात को लेकर? किस बात को लेकर? जमीन की वजह से। जमीन की वजह से? क्या मामला था जमीन का आपको? वो कहाँ के रहने वाले हैं? डाले किनारे रहते हैं। थाना कौन सा लगता है? गच्छड़। दोनों लोग गच्छड़ में रहते हैं? जी, मेरा नाम फिरोज है। तो जी, अभी यहाँ एक पेशेंट को आप गोद में अंदर लेते हुए आए थे, बाहर कोई वार्ड बॉय या कोई स्टेशन नहीं मिला आपको, यहाँ पर क्या मामला हुआ? जी, यहाँ पर मैं आया था, कोई स्टेशन नहीं था, स्टेशन तो था लेकिन कोई वार्ड बॉय नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था, और मैं स्टाफ में चीख रहा हूँ, कोई डॉक्टर स्टाफ ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा मैं यहाँ पेशेंट को लेकर आया हूँ, फ़ायदा क्या है यहाँ पर लाने से? क्या कम क्या हो गया पेशेंट को आपका? जी, उसके हाथ पैर अचानक से ऐसे हो रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब मैंने उससे कहा बोलने के लिए ऑक्सीजन। यहाँ जिला अस्पताल में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही आपको? जी, अभी तो नहीं दिख रही। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारी व्यवस्था है, यहाँ स्ट्रेचर की, वार्ड बॉय की, डॉक्टर भी होना चाहिए। मुझे तो यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा, ना अपना स्टाफ नजर आ रहा, ना वार्ड बॉय, ना डॉक्टर, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सन्नाटा पड़ा हुआ है। नाम आपको? मेरा नाम दीपक है, ठीक है, एडवोकेट दीपक द्रवाई। यहाँ पर अभी एक पेशेंट आया है ठेले पर, बिल्कुल। ये क्या मामला हुआ है? मामला ये था कि इनका कई दिनों से, चार पाँच महीने से जमीन का विवाद चल रहा था, ठीक। उसने चार दिन पहले उसे वार्निंग दी थी, घर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी। अच्छा, इनका कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा था। क्या नाम है इनका? इनका क्या? अजय, अजय कुमार चक, सन ऑफ श्री करण सिंह। कहाँ के रहने वाले? महापुर के। थाना कौन सा लगता है? थाना दक्षिण पड़ता है, ठीक। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने वार्निंग दी, उसके बाद ये चलता रहा, लेकिन कोई बात नहीं है, निकलना जुलना बंद हो गया इनका, ठीक है। अब ये अपने घर पे जाते हैं, बहन जी के यहाँ प्लॉट है, दूसरे प्लॉट पे जाते हैं, तो वहाँ से दूध लेके आ रहे थे, सुबह करीब 9:15 बजे का टाइम था। आज की बात है, आज का दिन
और ये तारीख है आज तुम्हारी बता दूं 20 तारीख है 12/2018 तो जो लेके आ रहा था वहाँ से तो इन्होंने या अपने कहीं से भी आए हो उसने पहचान लिया है। आप ये जाके उसी से पूछ लेना कौन था कैसे था वो खुद बता। अभी यहाँ पर देखा गया ये पेशेंट को ठेले पर लेके आए थे और ठेला फिर अंदर से लेके आ रहे थे। क्या यहाँ पर कोई बार्ड बॉय या कोई स्टेशन मौजूद नहीं था? बाहर यहाँ स्टेशन मुझे बाहर कोई मौजूद नहीं मिला है और जो भी जो यहाँ के कर्मचारी है वो मुझे सामने मिले हुए हैं। उन्होंने कहा था आप अंदर लेके जाइए ठेला अंदर ले जाइए। जी ठीक है, मतलब स्टेशन पर नहीं ले गए? नहीं। ठीक सीओ साहब, कल एक ये मामला देखा गया था यहाँ पर ट्रामा सरकारी ट्रामा सेंटर में कुछ अर्थव्यवस्थाएं दिखी जिससे कि ठेले भी अंदर जा रहे थे, कुछ पेशेंट गोदों में लेके जा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसा कि आपको सेम बताया कि हम लोगों ने ट्रॉमा सेंटर पर सारी व्यवस्थाएं करा रखी हैं। गेट पर ही स्ट्रेचर हमेशा उपलब्ध रहती है, वार्ड बॉय उपलब्ध रहता है, और फिर भी अगर आप बता रहे हैं कि इस तरह की घटना कल हुई है तो ये बिल्कुल गलत है और हम लोग इसकी जांच करवाएंगे और जो भी संबंधित व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि किन परिस्थितियों में उसने ठेले को अंदर जाने दिया, जबकि हमारे पास स्ट्रेचर वार्ड बॉय सभी उपलब्ध हैं तो उसी के द्वारा मरीज को अंदर भेजा जाना चाहिए। उम्रदारों का कहना है वहाँ पर रात में देर रात्रि जब होती है तो वहाँ से स्टाफ गायब हो जाता है, काफी देर तक कल उन्होंने आवाज़ें दी उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसा कुछ हमारे कैमरे में क्या कहना? चलिए इसको भी हम चेक करवाएंगे, देखेंगे इसमें जो भी संबंधित होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।